हे गाइस, वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम सबको पता होता है कि हमें कोई बुरी आदत लग गई है पर हम चाह के भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं। जब भी हम अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम अपने ऊपर एक दिन दो दिन कंट्रोल रख लेते हैं, पर तीसरे दिन से फिर से हम उसी आदत को करने लगते हैं। अब वो आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जंक फूड खाना, दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना, मूवीज़ देखना। जब भी हम इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो शुरू शुरू में अपने दिमाग में कंट्रोल रखने की बहुत कोशिश करते हैं, पर फिर भी इन आदतों को कुछ दिन बाद करने लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी बुरी आदतों को सीधे छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नियरली इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि किसी भी बुरी आदत का जो डेटा होता है हमारे दिमाग में बहुत ही स्ट्रांगली स्टोर होता है। हम अपनी बुरी आदतों को किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर सकते हैं पर हम उनको डायरेक्ट छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊँगा जिससे हमारा ब्रेन कोई आदत बनाता है, और उन्हीं 3 स्टेप्स को यूज़ करके आप अपनी आदत के उन्हीं 3 स्टेप्स को फाइंड करके अपनी किसी भी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस कर सकते हैं और उस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, खासकर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और जब आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो 100% आप अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, और ये वीडियो आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में बहुत हेल्प करेगी। तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा ब्रेन कोई भी आदत बनाता क्यों है। तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने शुरू शुरू में साइकिल सीखी थी, तो मुझे हर बात का ध्यान रखना पड़ता था कि साइकिल चलाते वक्त आगे देखना है, पैडल्स को 360 डिग्री में चलाना है, ब्रेक्स का ध्यान रखना है, रोड का ध्यान रखना है। पर लेकिन आज 5 साल बाद मैं अपने स्कूल से अपने घर साइकिल से आ जाता हूँ, पर मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं घर पहुँच गया। रास्ते में ना ही मुझे ब्रेक्स का ध्यान देना पड़ता है, ना ही रोड का ध्यान देना पड़ता है। मेरा दिमाग ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर लेता है, क्योंकि मेरे दिमाग में स्कूल से घर आने की साइकिल से एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन गई है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्रेन हमारी एनर्जी और एफर्ट्स बचाने के लिए कोई भी आदत बनाता है, ताकि हमारे ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े और हमें थकान ना हो, और वो एनर्जी जो बचेगी हम आगे के कामों में यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आप कभी पैंट पहनते हैं, क्या आपको कभी ध्यान देना पड़ता है कि आपको सीधा पैर डालना है या उल्टा पैर डालना है? वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग से होता है। सिमिलरली जब भी आप शर्ट पहनते हैं तो क्या आपको कभी ध्यान देना पड़ता है कि शर्ट को ऐसे घुमाना है, सीधा हाथ डालना है, फिर उल्टा हाथ डालना है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में इससे रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुकी है। जब भी आप कभी पेन से लिखते हैं तो क्या आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि का ऐसे बनेगा, बी ऐसे बनेगा? नहीं, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग ने एक हैबिट बना ली है, जिससे कि वो काम करने में हमारी एनर्जी बच सके, उस काम को करने में हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। लेकिन हमारे दिमाग को अच्छी और बुरी आदतों में फ़र्क नहीं पता होता है, और यहीं पे हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बुरी चीज़ों को भी अपनी आदत बना लेता है जिससे कि वो अपनी एनर्जी बचा सके, और यही हमारे लिए सबसे बुरा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 स्टेप्स जिनसे हमारा ब्रेन हमारी कोई भी आदत बनाता है, और इन्हीं 3 स्टेप्स को आप फाइंड करके और इनको यूज़ करके आप किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं और उसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो 3 स्टेप्स हैं, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। इन्हीं 3 स्टेप्स से हमारा दिमाग हमारी अच्छी बुरी कोई भी आदत को बनाता है। हमारे बचपन से लेकर आज तक जितनी भी आदत बनी होती हैं वो सारी आदतें इन्हीं 3 स्टेप्स को लेके बनी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगर की। ट्रिगर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण किसी इंसान को कोई आदत करने का मन करने लगे। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। तो एक दिन राहुल के दोस्त ने उसको कहा, चल भाई सिगरेट पीने चलते हैं। शुरू शुरू में राहुल ने उसको मना किया, लेकिन उसके दोस्त ने उसको कन्विंस किया कि एक बार पी लेते हैं, जब भी मन करेगा तो उसको छोड़ देना। उसी टाइम राहुल अपने दोस्त की बात मानकर सिगरेट पीने चला जाता है। अब राहुल को सिगरेट पीने की आदत लग चुकी है। अब जब भी राहुल अपने उस दोस्त को देखेगा तो उसे सिगरेट पीने का मन करने लगेगा। मतलब कि यहाँ पे एक पर्सन, वो राहुल का दोस्त, राहुल के सिगरेट पीने का ट्रिगर बन चुका है। यही होता है ट्रिगर। जनरली हमारे पास 5 ट्रिगर्स होते हैं जिनके कारण हम कोई भी आदत करते हैं। तो नंबर 1 पे है कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन, किसी भी जगह को देख के कोई भी आदत करने का मन करना। नंबर 2 पे आता है
कोई भी स्पेसिफिक टाइम। नंबर 3 पे आता है कोई भी स्पेसिफिक इमोशन, जैसे कि दुखी होने पे स्मोकिंग करना या ड्रिंकिंग करना। नंबर 4 पे आता है कोई लास्ट एक्शन करने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद, नहाने के बाद, ब्रश करने के बाद, एट्सेट्रा। और नंबर 5 पे आता है अदर रीजंस, जैसे कि किसी इंसान को देखने के बाद, कोई काम करने के बाद, एट्सेट्रा। तो ये हो गया ट्रिगर। अब बात करते हैं रूटीन के बारे में। तो अब जब राहुल को सिगरेट पीना होगा तो राहुल सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले राहुल दुकान पे जाएगा, उसके बाद सिगरेट का पैकेट खरीदेगा, उसमें से सिगरेट निकालेगा, सिगरेट को जलाएगा, फिर उसको पिएगा। तो ये जो ट्रिगर के बाद दुकान पे जाके सिगरेट पीने तक की जो प्रोसेस होती है उसी को हम रूटीन बोलते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है कोई भी आदत, कोई भी काम करने के बाद हमें उसका फल क्या मिल रहा है, क्योंकि इंसान बिना फल के कोई काम नहीं करता है। अगर वो कोई काम करता है तो वो उसके बदले में कोई ना कोई फल चाहता ही है। तो जब राहुल सिगरेट पिएगा तो उसके दिमाग में निकोटीन जाएगा, जिससे उसे रिलैक्सेशन, टेंशन फ्री होगा उसका, उसे खुशी मिलेगी, उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स जल्दी काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तेज हो जाएंगे, बहुत ही खुशी का अनुभव होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इन्हीं 3 स्टेप्स को यूज करके आप अपनी किसी भी बुरी आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। तो एक आदमी था जिसको रोज डोनट्स खाने की आदत पड़ गई थी। रोज रोज शुगर से बने डोनट्स खाने की वजह से उस आदमी का वेट बढ़ रहा था। वो आदमी उस आदत को छोड़ना चाहता था पर वो उसे चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। तो एक दिन उस आदमी के एक दोस्त ने उसको द लॉजिकल टॉक की इस वीडियो को दिखाया। उसके बाद उस आदमी ने इन्हीं 3 स्टेप्स को यूज किया और फाइंड किया और अपनी इस बुरी आदत को छोड़ पाया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी उस आदमी के ऑफिस का लंच हुआ करता था तो वो लिफ्ट से नीचे आता था, ऑफिस की कैंटीन में जाता था, उसके बाद डोनट्स खरीदता था और अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बात करते करते वो डोनट्स खाता था। यहाँ पे ऑफिस का लंच हो गया ट्रिगर, कोई भी टाइम जिसके कारण उसको डोनट्स खाने का मन करने लगे। लिफ्ट से नीचे उतर के आना, डोनट्स खरीदना और दोस्तों के साथ खड़े होकर खाना, ये हो गया रूटीन। और डोनट्स खाने के बाद जो उसका स्वाद मिलना, मीठा स्वाद, ये हो गया उस आदत का रिवॉर्ड। द लॉजिकल टॉक की इस वीडियो को देखने के बाद अगले दिन जब उस आदमी के ऑफिस का लंच हुआ तो वो लिफ्ट से नीचे जाता है, कैंटीन पे जाता है, पर डोनट्स खरीदने की वजह वो एक चॉकलेट खरीदता है, क्योंकि उस आदमी को पता था कि वो अपनी किसी भी बुरी आदत को डायरेक्ट नहीं रोक सकता पर उसे एक अच्छी आदत में धीरे धीरे कन्वर्ट कर सकता है। तो उस दिन उस आदमी ने एक चॉकलेट खरीदी और अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर खाई। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और एक महीने बाद वो आदमी कैंटीन जाता था और वहाँ पे कुछ भी नहीं खरीदता था और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बातें करता था। इन्हीं 3 स्टेप्स को फाइंड करके और फॉलो करके उस आदमी ने अपनी इस बुरी आदत को एक अच्छी आदत में कन्वर्ट करके, या बोले उसको छोड़ दिया। और इसी तरह हम भी अपनी किसी भी बुरी आदत के इन 3 स्टेप्स, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को फाइंड करके उस आदत को बहुत ही इजीली छोड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको काम का लगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जैसी आदत है, जिससे वो भी इस वीडियो को देख के अपनी उस बुरी आदत को छोड़ सकें। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और काम की बातें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए आप इस चैनल की दूसरी वीडियोस को देख के कुछ नया जान और सीख सकते हैं। Thanks for watching.